नौरीन एक बहुत अच्छी लड़की है, आप उसके साथ खुश रहेंगे। मैं किसके साथ खुश रहूंगा इसका फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। भले इसके लिए मुझे सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार ही क्यों ना करना पड़े। वाह क्या बात है तुम्हारी, अब तो तुम बहुत खुश होगी ना, आजादी जो मिल गई तुम्हें। आतिर के साथ मिलने के सारे दरवाजे खुल गए है ना। नौरीन ऐसी बात नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ कि मेरा उससे कोई ताल्लुक कोई वास्ता नहीं है। तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम मेरी बहन हो, मैं कैसे तुम्हारी खुशियां छीनकर खुद को खुशियां हासिल कर सकती हूँ। अगर तुम ये सोचती ना तो तुम उसके साथ मिलती नहीं, उसके साथ घूमने नहीं जाती, बल्कि तुम उसे मजबूर करती कि अगर उसने मंगनी मेरे साथ की है तो शादी भी मेरे साथ करे। तुम्हारे तन बदन में तो आग लग गई होगी ना जब तुम्हें पता चला होगा कि उसकी मंगनी तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ हुई है। और हाँ, आइंदा अपनी गंदी जबान से मुझे बहन मत कहना, बहनें बहनों की घर उजाड़ती नहीं बसाती हैं। तुम लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते, कैसे यकीन दिलाऊं तुम लोगों को कि मैं बेकसूर हूं। काश के मैं तपते हुए कोयलों पर चलकर अपनी सच्चाई साबित कर सकती। तुम बताओ किस तरह यकीन आएगा तुम लोगों को कि मैं बेकसूर, तुम्हारी मंगनी टूटने में मेरा कोई कसूर नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर लूंगी अगर आतिर मुझसे शादी कर ले तो। बोलो करेगा वो मुझसे शादी, बोलो जवाब दो, करेगा वो मुझसे शादी। मैं किसके साथ खुश रहूंगा इसका फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। क्योंकि ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने का फैसला कर चुका हूं। भले इसके लिए मुझे सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार ही क्यों ना करना पड़े। सर्वर भाई मुझे लगता है तन्नू आ गई, तुम्हारा इंतजार खत्म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तन्नू तुमने बहुत अच्छा किया जो टाइम से आ गई, सर्वर कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अब जाओ जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें शादी की खरीदारी के लिए साथ लेकर जाना चाहता है सर्वर। लेकिन मामानी मैं इस तरह कैसे जा सकती हूँ, मामू जान से इजाजत नहीं है। अरे मामू जान को छोड़ो, उनकी फिक्र मत करो, उनसे बात मैं खुद कर लूंगी। तुम जाओ सर्वर के साथ, शादी की खरीदारी करो जी भर के, जो दिल में आए लेना, और हाँ महंगी से महंगी चीज लेना तुम। सर्वर भाई के पास पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसा है सर्वर भाई के पास। आप तो जानती है रहना भाजी, 300 गज का कॉर्नर का डबल स्टोरी मकान है मेरा, जिस चीज पे हाथ रखेगी दिला दूंगा, जो चीज बोलेगी दिला दूंगा। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, शाबाश जाओ ना, मुंह क्या देख रही हो। अब इस तरह उदास और परेशान होने से क्या होगा, तो और क्या करूं मैं, ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो मुझे तन्नू के लिए छोड़ दे, उसने मुझे ठुकराया है और अब मैं उसे हासिल करके रहूंगी किसी भी कीमत पर, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन तुम करोगी क्या, वो तो तुम्हें साफ साफ कह चुका है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता, अब तुम उसे मजबूर तो नहीं कर सकती। कर सकती, मैं उसे मजबूर कर दूंगी, खुद से मोहब्बत करने के लिए, खुद को अपनाने के लिए और खुद से शादी करने के लिए। लेकिन कैसे, मुझे भी तो कुछ पता चले। ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा करके रहूंगी,
फैसला, मैं उसे वाकई पसंद करने लगी हूँ, उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। जानती हूँ, लेकिन वो ये सब नहीं जानता, और अगर जान जाएगा तब भी वो तुमसे शादी के लिए राजी नहीं होगा। ये तुम कह रही हो फैजा? तुम तो मेरी दोस्त हो ना, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? नौरीन, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, मैं तो तुम्हें सिर्फ हकीकत बता रही हूँ। हकीकत को समझने की कोशिश करो, उसे आंखें मत चुराओ, नुकसान तुम्हारा ही होगा। मुझे अब किसी फायदे और नुकसान की परवाह नहीं, मुझे किसी भी कीमत पर सिर्फ आतर चाहिए। फैजा, उसने मुझे अपना कर छोड़ा है, अगर उसे यही सब करना था तो क्यों आया हूँ मेरी जिंदगी में? तुम ये क्यों भूल जाती हो कि ये सब एक गलत फहमी का नतीजा है? फैजा, तुम तो सब जानती हो ना, फिर भी ऐसी बातें कर रही हो। अच्छा तुम नाराज मत हो, मुझे ये बताओ तुम उससे दोबारा मिली हो? नहीं। तो ठीक है, तुम उससे दोबारा मिलो और उससे बात करो और उसे जान देने की धमकी दो, और अगर फिर भी ना माने तो उसे छोटा मोटा ड्रामा करके डराने की कोशिश करो, मुझे लगता है ये तरीका काम कर जाएगा। देखो रैना बाजी, क्या क्या दिलाया मैंने तन्नो को, एक से बढ़कर एक महंगी चीज है भाई। जिस चीज पे तन्नो ने हाथ रखा, सरवर के मुंह से ना नहीं निकला। तुम पूछ लो तन्नो से, बैठी भी है। तन्नो जी, कहाँ गुम सुमो, बताओ ना रैना बाजी को, जिस चीज का तुमने कहा मैंने दिलाई। जी मुमानी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सरवर भाई ठीक है, इसमें तन्नू की गवाही की क्या जरूरत है? तुमने कह दिया, मुझे यकीन आ गया। अच्छा तो फिर कैसा है? अच्छी। सिर्फ अच्छा? कहा तो है कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम खुश। चलो ठीक है। ए सरवर, तू तो लगता है सारा का सारा बाजार उठा के ले आया, अपनी सारी की सारी जमा पूंजी का यही लुटा देगा? अरे अम्मा जी, तुम क्यों परेशान होती हो, तुम्हारे लिए भी लाया हूँ दो जोड़े, ये देखो कैसे हैं। क्या चाहिए जरा? ठीक है, बस मैंने तन्नो के जोड़े देखे थे, वैसे ही ले आता, मेरे लिए भी तो क्या हर्ज था। पकड़ इसे। मैं भी जरा भरम से कहती कि अम्मा का ख्याल है। अम्मा जी, आप अपनी उम्र देखो और तन्नो को देखो, कहाँ मुकाबला है दोनों का। तन्नो हसीन है, खूबसूरत है, जवान है। अरे मेरा मकसद ये था कि सब कुछ अभी खर्च कर देगा तो बाद में क्या करेगा, कुछ शादी के लिए भी बचा के रख के नहीं।
उसकी फिक्र मत करो अम्मा जी, बड़ा कुछ है सर्वर के पास, डबल स्टोरी मकान है अपना और एक दुकान अलग से। अल्लाह का बड़ा करम है सर्वर पर। अरे मतीन भाई, अस्सलाम वालेकुम। बस ठीक है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मेरी चाय भिजवा दो वहाँ पे। अरे मतीन रुको तो सही, देखो तो कितना सामान लेकर आया सर्वर है। अपनी तन्नो के तो नसीब खुल गए, राज करेगी इस घर में। मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, मुझे इन सब चीजों से अलग रखें। मेरा ना पहले कोई ताल्लुक था इससे और ना अब है। हेलो, अरे देख तो लोहा दो। क्यों जरूरत थी मतीन के सामने ये सब कुछ बोलने की? मुझे क्या पता था अब तक अपनी जिद पे अड़ा बैठा। तुम जानती हो अच्छी तरह, फिर पता नहीं क्यों ऐसी बातें करती हो। चुप कर जा। आखिर कब तक मैं यूं खुद को तुम्हारी तस्वीर के साथ बहलाती रहूंगी? कोई समझ ही नहीं रहा मेरे दर्द को, मेरी तकलीफ को। तुम भी नहीं आते, आखिर क्या कमी है मुझ में जो तुमने उस तन्नो के खातिर मुझे ठुकरा दिया? बहुत हो गया इंतजार, अब मैं और इंतजार नहीं करूंगी। मुझे तुमसे दो टोक बात करनी होगी आतिर। हेलो, कहाँ गायब हो? भाई तुम गायब हो, मैंने दो तीन बार ट्राई भी किया लेकिन कोई खैर खबर ही नहीं। बस यार वो कुछ पर्सनल मैटर्स की वजह से अचानक लंदन जाना पड़ गया मामा के साथ, रात ही को वापस आया हूँ। खैर तुम बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? कुछ नहीं यार, लाइफ ऐसे जैसे रुक सी गई है। फ्री हो तो आ जाओ, लंच साथ करते हैं और बात भी हो जाएगी। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ लंच करेंगे, तफसीली मुलाकात रात को करेंगे, तुम मेरी तरफ आ जाना। ओके ओके बाय। नौरीन अगर इशारा करे तो लड़कों की लाइन लग जाए। तुम मुझे कैसे ठुकरा सकते हो आतिर? कहाँ जा रही हो तुम? नौरीन मैंने तुमसे कुछ पूछा है, ये सुबह सुबह तैयार होकर बैग उठाकर कहाँ जा रही हो? नौरीन मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, जवाब चाहिए मुझे। जब वापस आऊंगी तो बता दूंगी। ये लड़की बिना पता नहीं क्या करेगी। कमिटमेंट कर चुका हूं, आज पहुंचनी चाहिए शिपमेंट। बाद में करता हूं। तुम जी
बहुत हैरानी हो रही है ना मुझे दोबारा यहाँ देखकर। लेकिन आज मैं आपसे साफ साफ बात करने आई हूँ। कौन सी बात? आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं? नौरीन, ये मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ और फिर एक दफा बोल देता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते आप मुझसे शादी? क्या कमी है मुझमें? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? काली हूँ, मोटी हूँ? बोले, क्या कमी है मुझमें? कोई कमी नहीं है तुम्हारे में। तुम बहुत खूबसूरत हो और यकीनन बहुत अच्छी भी होगी। समझने की कोशिश करो नौरीन, तुम वो नहीं हो जिसे मैं प्यार करता हूँ, जिसे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो फिर मेरे साथ रिश्ता क्यों जोड़ा? क्यों किया मंगनी का ड्रामा? क्यों पहनाए वो कंगन जो इतने प्यार से, इतने मान से मैंने आपके नाम के पहने थे? वो रिश्ता मैंने नहीं जोड़ा था, मेरी माँ ने जोड़ा था। और वो कंगन, वो मंगनी, वो सब कुछ एक ड्रामा नहीं था, एक गलत फहमी थी जिसका शिकार सिर्फ तुम नहीं हुई, मैं भी हुआ हूं, बल्कि हम सब हुए। मैंने खुद देखा था उस लड़की को तुम्हारे घर जाते हुए। इसीलिए रिश्ते के लिए मैंने अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेजा था। लेकिन इसे बदकिस्मती कह लो कि नाम ना पता होने की वजह से किस्मत धोखा दे गई। धोखा तो मेरे साथ हुआ है, मेरे ख्वाबों के साथ, मेरे जज्बात के साथ, मेरे अरमानों के साथ। मैं किसके पास जाऊं? किसको अपने दिल की बात कहूं? देखो नौरीन, मैं शर्मिंदा हूं, मैं तुमसे माफी मांग चुका हूं, इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूं? मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आदर चाहिए। एक दिन जब वो मुझे मॉल शॉपिंग के लिए ले गया था, आतर आया था, उस वक्त मेरा दिल किया कि आतर का हाथ थामू और उसके साथ कहीं दूर भाग जाऊं। तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा।